और आप देख सकते हैं रिमझिम बारिश है, और जब भी बारिश होती है तो कुछ मीठा और कुछ गर्मा गर्म खाने की बात होती है, और गर्मा गर्म में बारिश में अक्सर लोग भजिए खाते हैं, लेकिन भैया एक इंदौरी जो है, इंदौरी के लिए हमेशा मीठे में कुछ चाहिए तो जलेबी की बात आती है, और फिलहाल मैं यहाँ पे जलेबी खाऊंगा, गर्मा गर्म जलेबी बन रही है। और अब हम जिस शॉप पे आए हैं, ये 28 साल पुरानी शॉप है और इसका नाम है मौसा जलेबी। और ख़ास बात ये है कि ये जो चौराहा है इसको भी मौसा जलेबी के नाम से जाना जाता है। और मेरा नाम रितेश कछावा है और ये मौसा जलेबी सन 1995 से शुरुआत एक होटल से हुई थी, और इसकी शुरुआत मेरे ससुर जी और सासू जी ने करी थी, और मेरी सासू जी की बहन यहाँ पर रहती है, उनके बच्चे उनको मौसा मौसा बोलते थे मेरे ससुर को, तो धीरे धीरे मौसा मौसा क्षेत्र में सब उनको बोलने लग गए, तो दुकान के हिसाब से इसलिए उस दुकान का नाम मौसा पड़ गया, मौसा जलेबी भंडार। और 1995 से हम इसकी शुरुआत करी है, इस दुकान को लगभग 28 साल हो गए हैं, और दिन पर दिन हमारे क्वालिटी के कारण दिन पर दिन ग्राहकी बढ़ रही है, और जो जलेबी का खमीरा रहता है हमारे डेली ताज़ा लगता है, इसलिए स्वाद हमेशा बेस्ट का बेस्ट स्वाद रहता है इसका। बारिश और ठंड में हमारी ग्राहकी थोड़ी ज़्यादा रहती है, गर्मी में थोड़ी कम रहती है, और कर लगभग एक आध कुंटल जलेबी हम रोज डेली बेचते हैं। पहले 14 रुपये किलो से शुरुआत हुई थी इसकी, और आज 180 रुपये किलो है जलेबी हमारी। क्वालिटी के अंदर हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते, उच्च क्वालिटी का घी वगैरह सब वापरते हैं। तौर का सबसे बेस्ट टेस्ट है, और यहाँ हम रिश्तेदारों को भी खिलाने के लिए करीब यहीं लाते हैं, और सबसे फेवरेट है यहाँ का। आसपास से ढूंढते हुए हम अगर इंदौर आते हैं तो यहाँ जलेबी खाने जरूर रुकते हैं, खोया जलेबी। जब भी यहाँ से गुजरती हूँ यहाँ से जलेबी ज़रूर लेके खाती हूँ, मैं शुगर की मरीज हूँ फिर भी मैं यहाँ से जलेबी लेके ज़रूर खाती हूँ। बहुत सारी जलेबियाँ नहीं स्वाद है, जो इसमें स्वाद है वो कहीं भी नहीं। मौसा जलेबी, मेरा नाम सोनू जैन है, और मैं यहाँ से तब भी गुजरती हूँ मेरे हस्बैंड को रोकती हूँ, और मुझे 20 की जलेबी खिलाओ मगर खिलाओ, मैं क्योंकि हाई शुगर की मरीज़ हूँ फिर भी मुझे यहाँ की जलेबी खाना बहुत पसंद है। अभी इतना गीला होने के बाद भी मैं गाड़ी रोक के पहले जलेबी खा रही हूँ, उसके बाद घर जाऊँगी। न्यूज़ 18 के लिए राहुल दवे, इंदौर।